हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट एंड पावरफुल स्मार्टफोन अंडर 10,000। 10,000 के अंदर बहुत सारे स्मार्टफोन सेल होते हैं, बट सभी स्मार्टफोन अच्छे नहीं होते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप अपने कीमती पैसे किसी बेकार स्मार्टफोन पर खर्च करो, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड रिव्यूज़ देखने के बाद मैंने इन पाँचों स्मार्टफोन को चुना है। ये पाँचों स्मार्टफोन इस टाइम के बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम। आप भी बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और आपसे और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा इन तक देखिए, जिससे कि आपका जो सारा कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा और आप अपने लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन ले पाओगे। अब मैं बताता हूँ कि हमारे वीडियोज़ के अंदर आपको हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 6GB का बड़ा रैम देखने को मिल जाएगा, अच्छे गेमिंग के लिए मीडियाटेक हीलियो G99 का 4G चिपसेट मिल जाएगा, अच्छे क्वालिटीज के फोटो निकालने के लिए 64MP का मेन बैक कैमरा होगा, 5000mAh का बड़ा बैटरी गन्स को चार्ज करने के लिए 33W का इनबॉक्स चार्जर भी होगा, 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा एंड बाकी फीचर्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में 5th नंबर में रैंक करता है वो सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F13 4G। अगर आपको 10 से 11,000 के अंदर एक अच्छा नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो सिंगल मोनोस्टीरियो स्पीकर दिया है, ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब कि इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। फोन कॉल करने के लिए साइड और लॉक है और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। गाइस, इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 6000mAh का बड़ा बैटरी देखने को मिलता है एंड इसको चार्ज करने के लिए 15W का छोटा सा इनबॉक्स चार्जर भी है। गाइस, चार्जिंग में ज़्यादा टाइम लगाएगा बट 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप इससे आपको आराम से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा 6.6 इंच का फुल HD+PLS डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 500 nits का पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले अच्छा है, बट अगर 120Hz का रिफ्रेश रेट होता तो और भी अच्छा होता। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50MP+5MP+2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा है 8MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 1080p पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा अच्छा परफॉर्म करता है, डे लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है, बट लो लाइट में इसका जो फ्रंट कैमरा है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। इसमें लगा है सैमसंग एग्जिनोस 850 का चिपसेट जो कि 140,000 अंतुतु स्कोर के साथ आता है एंड इससे आप 30 से 40 FPS तक गेमिंग कर सकते हो। ओवरऑल नॉर्मल यूज में कोई भी इशू नहीं होगा एंड इससे आप कभी कभी गेमिंग कर सकते हो, बट अगर आपको गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए देन आप इस स्मार्टफोन को स्किप कर सकते हो। और गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सैमसंग का जो स्मार्टफोन अगर लो बजट में ले रहे हो, मतलब 10,000, 12,000, 15,000, देन आपको गेमिंग परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 464 का जो प्राइस है वो 10,999 रुपये यानी कि 11,000 रुपये, 1000 से 1500 का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा, उसको भी आप चेकआउट कर लेना। देन इफेक्टिवली इसके 464 वाला जो वेरियंट आपको 10,000 में देखने को मिलेगा। और 10,000 के अंदर अगर आपको एक बेस्ट नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 4th नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में 4th नंबर में रैंक करता है वो रियलमी की तरफ से रियलमी C55 4G। अगर आपको एक यूनिक डिजाइन वाला तगड़ा एंड पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए 10 से 11,000 के अंदर, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। ये स्मार्टफोन कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सिंगल मोनोस्टीरियो स्पीकर है, ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस देखने को मिलता है, मतलब इसमें आप 2 SIM प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। फोन कॉल करने के लिए साइड और लॉक है और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस, इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5000mAh का बैटरी डेंस को चार्ज करने के लिए 33W का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.72 इंच का फुल HD+IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 680 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। ओवरऑल डिस्प्ले आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है।
यहाँ पर आपको इसके बैक में 64 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 1080 वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080 वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा भी इसका काफी जबरदस्त मिलता है, बैक वाला कैमरा काफी बढ़िया परफॉर्म करता है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा है मीडियाटेक हीलियो G88 का 4G चिपसेट और जो इसका अंततः स्कोर 210,000 के करीब में है। गाइस इससे आप 40fps तक गेमिंग कर सकते हो, ओवरऑल नॉर्मल यूज में कोई भी इशू नहीं होगा एंड इससे आप लो टू मीडियम सेटिंग पे गेम प्ले कर सकते हो, मतलब कि हाई सेटिंग पे गेम प्ले नहीं कर सकते, मीडियम सेटिंग पे गेम प्ले कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 464 का जो प्राइस है वो 10,999 रुपये यानी कि 11,000 रुपये, 1,000 से 1,500 का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा। देन इफेक्टिवली इसके 464 वाला जो वेरियंट आपको 10,000 में देखने को मिलेगा और 10,000 के अंदर अगर आपको एक बेस्ट यूनिक डिजाइन वाला एक तगड़ा एंड पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते रहो, बात कर लेते हैं तीसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर में रैंक करता है वो पोको की तरफ से पोको M5 4G। अगर आपको 10,000 के अंदर एक पावरफुल ऑलराउंडर गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। ये स्मार्टफोन IP52 सर्टिफाइड है, मतलब कि हल्का फुल्का पानी और डस्ट रोक सकता है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस देखने को मिलता है, मतलब कि इसमें आप 2 सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। सिंगल मंच टू स्पीकर है, फोन कॉल करने के लिए साइड और लॉक है और ये स्मार्टफोन ऑटो लॉक एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। गाइस इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5000mAh का बड़ा बैटरी दिया है, इसको चार्ज करने के लिए 18W का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.58 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 248 का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 500 nits का पिक बैलेंस देखने को मिलता है एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन भी है। डिस्प्ले वाइज अच्छा रहेगा ये स्मार्टफोन। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। जैसे इसके फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरे से आप 1080 वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा इसका डिसेंट टाइप का है, ना ही ज़्यादा हाई लेवल का है ना ही ज़्यादा लो लेवल का है और प्राइस के अकॉर्डिंग ओके टाइप का कैमरा है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा है मीडियाटेक हीलियो G99 का 4G चिपसेट और जो इसका अंततः स्कोर 3,90,000 के करीब में है। गाइस इससे भी आप 40fps तक गेमिंग कर सकते हो, ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 464 का जो प्राइस है वो 10,999 रुपये यानी कि 11,000 रुपये, 1,000 से 1,500 का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा, उसको भी आप चेकआउट कर लेना। देन इफेक्टिवली इसके 464 वाला जो वेरिएंट है वो आपको 10,000 में देखने को मिलेगा और 10,000 के अंदर अगर आपको एक बेस्ट एंड पावरफुल गेमिंग ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते रहो, बात कर लेते हैं सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर में रैंक करता है वो रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 50 4G। अगर आपको 10 से 11,000 के अंदर एक पावरफुल ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। गाइस इसमें प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर्स अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो जो इसका प्राइस है वो 13,000 के करीब में है बट अभी के टाइम पे ये स्मार्टफोन आपको 10,000 में आराम से देखने को मिल जाएगा। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस देखने को मिलता है, मतलब इसमें आप 2 सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। सिंगल मंच टू स्पीकर है, फोन कॉल करने के लिए साइड और लॉक है और ये स्मार्टफोन ऑटो लॉक एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। गाइस इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5000mAh का बड़ा बैटरी दिया है, इसको चार्ज करने के लिए 33W का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 600 nits का पिक बैलेंस देखने को मिलता है एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन भी है। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरे से आप 1080 वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा वाइज भी ये स्मार्टफोन अच्छा रहेगा। इसमें लगा मीडियाटेक हीलियो G96 का 4G चिपसेट और जो इसका अंततः स्कोर 3,40,000 के करीब में है। इससे भी आप 40fps तक गेमिंग कर सकते हो, परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन का काफ़ी अच्छा मिलता है, अच्छे लेवल की गेमिंग कर लेते हो प्राइस के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 464 का जो प्राइस है वो 10,999 रुपये यानी कि 11,000 रुपये, 1,000 से 1,500 का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा, उसको भी आप चेकआउट कर लेना। देन इफेक्टिवली इसके 464 वाला जो वेरियंट है आपको 10,000 में देखने को मिलता है।
और 10,000 के अंदर अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज वाला एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए जिसमें कि सभी फीचर्स आपको अच्छे अच्छे देखने को मिल जाए, अच्छा कैमरा, अच्छी बैटरी, 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट, तगड़ा प्रोसेसर जिससे कि आप अच्छे लेवल की गेमिंग कर सको, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अब हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड में और हम लोग बात करेंगे पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। सभी लोग जो है वो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन ना ही कोई चैनल को सब्सक्राइब करता है और ना ही कोई वीडियो को लाइक करता है। तो अब बात कर लेते हैं पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में पहले नंबर में रैंक करता है वो मोटो की तरफ से मोटो G52 4G। अगर आपको क्लीन यूआई वाला एक तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। गाइस इसमें भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये जो स्मार्टफोन IP52 सर्टिफाइड है, डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस है मतलब इसमें आप दो सिम लगा सकते हो या फिर एक सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, फोन कॉल ना करने के लिए साइड और लॉक है और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। गाइस इसमें आपको एक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेगा एंड 3S तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 5000mAh का बड़ा बैटरी देखने को मिलता है एंड इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 33W का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.6 इंच का फुल HD+ PLED डिस्प्ले दिया है 98 के रिफ्रेश रेट के साथ और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 600 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। ओवरऑल डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है, कलर साइज ब्राइटनेस परफॉर्मेंस सब कुछ आपको बढ़िया मिलता है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50MP+8MP+2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा 16MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 1080p30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का है मतलब कि एवरेज लेवल का नहीं है, अबव एवरेज है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा स्नैपड्रैगन 680 का 4G चिपसेट और जो इसका अंतर उसको 260,000 के करीब में है। गाइस इससे आप 30-40fps तक गेमिंग कर सकते हो, डे टू डे लाइफ में अच्छा परफॉर्म करेगा एंड इससे आप लो टू मीडियम सेटिंग पे गेम प्ले कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 464 का जो प्राइस है 10,999 रुपये यानी कि 11,000 रुपये, 1,000 से 1,500 का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा। देन इफेक्टिवली ये भी जो वेरियंट है वो आपको 10,000 में देखने को मिलेगा और 10,000 के अंदर अगर आपको एक बेस्ट डिस्प्ले सेंट्रिक क्लीन यूआई वाला एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो ये थे इस टाइम के टॉप 5 बेस्ट एंड पावरफुल स्मार्टफोन अंडर 10,000। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को बिना लाइक किए मजेगा और चैनल के अंदर चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मजेगा। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका जो डाउट है क्लियर कर दूंगा। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।